Hey beautiful ladies and gentlemen, welcome back to my channel. Today video is about Flipkart power bank के according होगा और वो product मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया because इतना इतना third class product था ना, क्योंकि इससे पहले मैंने Flipkart के AirDrops मंगाए थे, वो भी flop हो गए. अभी मैंने power bank की मुझे बहुत need थी तो मैंने सोचा कि चलो power bank का मैं video बना लूँ, but इट्स नॉट यूजफुल. ओके सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. ओके सो दिस इज फ्लिपकार्ट पावर बैंक एंड अभी हम इसको ओपन करेंगे. ये थैली में आया था और ये इसका बॉक्स है. अब इसकी पैकिंग तो ऐसी लगेगी कि भाई हाँ भाई किसी ने यूज़ नहीं किया है, एकदम फ्रेश है. बट मैं जब इसको ओपन करूँगी Look at this. इसका बॉक्स अंदर से टूटा हुआ निकला और ये इसकी पिन आई थी चार्जिंग के लिए. ओके सो मैं भी इसका डिटेल वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये है पावर बैंक. आप इसका मॉडल, आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हो. ओके इतना सा पतला आएगा और लेंथ इसकी इतनी सी रहेगी, जस्ट लाइक एक अपना एंड्रॉइड मोबाइल कितना होता है सेम वैसा का वैसा ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है. ठीक है, ये टेम्प्ट करके इसकी कंपनी का नाम है और ये रही इसकी डिज़ाइन. ओके और यहाँ पे ये जो है लाइटिंग दी हुई है. यहाँ पे ये बटन है देखने का, मैं इसको ऑन करूँगी तो आप ये तीन लाइट जल रही है आप देख सकते हैं, जबकि ये हालांकि फुल चार्ज है. फुल चार्ज होने के बाद भी चार लाइट नहीं जल रही है. और ये इसके सॉकेट है सभी पॉइंट मीन्स चार्जिंग के लिए. ये दो तो आपको पता ही होंगे, ये सी पिन का हो गया और ये आईफोन का हो गया. ठीक है, और बट मैंने ये चार्ज करने के बाद जब मैंने इसके अंदर पिन डाली तो खाली एंड्रॉयड मोबाइल ही चार्ज हो रहे हैं और आईफोन का तो चार्ज हो ही नहीं रहा है. तो मैं इसको वापस रिटर्न कर रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए बिकॉज मेरे पास आईफोन है और आईफोन ही चार्ज नहीं हो रहा है, सो मैं भी क्या कर सकती हूँ. तो मैंने ये लाइटिंग बंद कर दी है और मैं इसको वापस रिटर्न करवा रही हूँ. और प्लीज़ मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सब कुछ रेटिंग एंड रैंकिंग देख के ही कीजिए. हालांकि मैंने भी चेक किया था, रेटिंग इसकी 4.5 थी और 3 लाख समथिंग इसके रिव्यूज़ थे, जो 50% आई थिंक 70% जितने पॉजिटिव पॉइंट थे एंड 30% जितने नेगेटिव पॉइंट्स थे. तो मुझे समझ में नहीं आया लूँ कि नहीं लूँ. सो एज अ ट्रायल बेसिस के अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि मैं मंगवा ही लेती हूँ, देख लेते कैसा आता है कैसा नहीं आता है. और मुझे इसकी बहुत नीड थी, मुझे ये लेना ही था. बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसको बिल्कुल मत लेना, क्योंकि टेम्प्ट करके कोई कंपनी नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं है, ये बस चालू जो कंपनीज होती है वही ये प्रोडक्ट लेकर आते हैं और सस्ते में बेचते हैं. फ्लिपकार्ट में अभी 14 जनवरी को ऑफर चल रही थी कि 50-60% डिस्काउंट चल रहे थे, उसी में से मैंने ही मंगाया. मैंने एयरबड्स भी मंगाए और पावर बैंक भी मंगवाया. एयरबड्स का वीडियो मैंने इससे पहले डाला हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो. और पावर बैंक का तो नॉट यूज़फुल, प्लीज़ मत लेना. अगर लो तो कंपनी के ही लीजिए. फ्लिपकार्ट से अगर आप शॉपिंग करते हो तो कंपनी के ही प्रोडक्ट लीजिए. इसकी जगह अगर अमेजोन से ले तो यह अमेजोन इज 100% गुड चॉइस और गुड प्रोडक्ट्स भी देते हैं अमेजोन. बट फ्लिपकार्ट से मेरा आज तक का जितना भी रिजल्ट निकला है नेगेटिव ही आया, भले वो फैशन के अकॉर्डिंग हो, भले इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें होती है इलेक्ट्रिक आइटम्स हो, एवरीथिंग. सो फ्लिपकार्ट से मैं शॉपिंग करना पसंद नहीं करूँगी. ये पावर बैंक आप प्लीज़ मत लेना, बिल्कुल यूज़फुल नहीं है. और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल की अगर आप बात करो तो एंड्रॉयड मोबाइल वाले जो यूज़ करते हैं आपको कम रेंज में चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ एज अ विश. बट मैं इसको नहीं करूँगी, मैं इसको वापस रिटर्न कर रही हूँ. जितना डिटेल था मैंने आपको बता दिया. 24 आवर्स आई थिंक आफ्टर चार्ज आप ये मैंने इसके जितने भी चीज़ें थी सब मैंने पढ़ी थी कि 2 दिन तक तो चलता है. ये कैपेसिटी 10,000 mAh लिखा हुआ है. ओके एंड इनपुट 5V2 लिखा, 2.1A, आउटपुट 12W लिखा हुआ है. आई डोंट नो ये कौन सी लैंग्वेज है, फिर भी मैंने आपको बता दिया. आप चाहो तो लो नहीं लो एक ही बात है, बट मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं चला ये. तो आप आईफोन वाले प्लीज़ बिल्कुल मत लेना और एंड्रॉइड वाले ले सकते हैं. ओके सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू सो मच.